उसका घर रेगिस्तान की तरह है। जो भी यहाँ जाता है उसे गर्मी का सामना तो करना ही पड़ता है। हमारा मतलब है अलग अलग आरोपों का। कुछ ऐसा ही हुआ दीपिका कक्कड़ के साथ भी। दरअसल बीते एपिसोड में दीपिका श्रीचंद के साथ खड़ी थी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो रोमिल के साथ ज्यादा एग्रेसिव ना हो, लेकिन इतने में ही रोमिल करने लगे अपना लोअर चेंज, जिससे दीपिका एम्बेरस हो गई और उस कमरे से चली गई। दीपिका ने ये बात करण से शेयर भी की और जब रोमिल बाहर आए तो दीपिका ने ये रोमिल को कह दिया कि आप किसी के भी सामने चेंज कर लेते हैं, मुझसे कहा होता मैं पहले ही बाहर चली जाती। जिस पर रोमिल ने दीपिका को सॉरी भी बोला। इस मुद्दे को दीपिका ने बड़ी ही जेन्युइनली हैंडल किया। जहां दीपिका अपनी बात करण के साथ शेयर कर रही थी तो वहीं उन्होंने सीधे मुंह रोमिल को ये कह भी दिया कि मुझसे कहते तो मैं बाहर चली जाती। वहीं आपको बता दें कि घर के स्टोर रूम में खड़े थे सभी घर वाले, जहां पर सभी घर वालों के कपड़े मौजूद रहते हैं। वो कोई चेंजिंग रूम या बाथरूम नहीं था। ऐसे में हमें नहीं लगता कि दीपिका कक्कड़ की कोई गलती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर दीपिका हेटर्स दीपिका को कैरेक्टर लेस तक कह रहे हैं कि दीपिका इंटेंशनली उस जगह खड़ी हुई जहां पर श्रीशांत और रोमिल चेंज करने वाले थे। वेल, दीपिका पर ऐसे आरोप लगने के बाद हमें लगता है कि दीपिका हेटर्स अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कुछ भी मुद्दा ढूंढ कर बस दीपिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।